राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश एवं चित्रकला विभाग आगरा द्वारा आयोजित किया गया 4 दिवसीय कला आचार प्रदर्शनी का कार्यक्रम, जहां 9 से 14 अक्टूबर तक आरा मंडल परिक्षेत्र की प्रदर्शनी का शुभारंभ 9 अक्टूबर को राज्य ललित कला अकादमी द्वारा किया गया। अलग अलग कॉलेजों की चित्रकला विभाग के शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। डॉक्टर सुनीता यादव चित्रकला विभाग आगरा कॉलेज से रानी पद्मती जी का चित्र बनाया गया, तो वहीं बी डी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज की चित्रकला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नीलम कांत द्वारा बैरागी जीवन का चित्र बनाया गया। जी, मैं डॉक्टर मीना कुमारी, मैं यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मीना जी, आपने पेंटिंग में क्या बनाया? जी, मैंने ये पर्यावरण जो आजकल विलुप्त हो जा रहा है, पेड़ों की जो कटान हो रही है, जंगल जो गायब हो रहे हैं, इससे हमारे पर्यावरण जो है काफ़ी प्रदूषित हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे जीव जंतु भी जो पर्यावरण के साथ वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। जब पर्यावरण नहीं रहेगा, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो हमारे जीव जंतु भी उनके साथ ख़त्म हो जाएंगे। उस चीज़ को ही मैंने अपनी पेंटिंग में दर्शाने का प्रयास किया है कि हम इसको किस तरह इनको संरक्षण दें, किस तरह हम इनको बचा सकें। जी जी, मैं दिनेश कुमार मौर्य और मैं आगरा कॉलेज आगरा में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जी बताएं, आपने पेंटिंग बनाई है, क्या पेंटिंग? जी, मेरी पेंटिंग है, चूँकि आज जो कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं हमारे चारों तरफ, तो मेरी पेंटिंग है बेसिकली एक ऐसे स्केप की तरफ ले जाती है, एक ऐसे सुकून भरी जगह पे ले जाती है जहाँ वाकई में आप सुकून पाते हैं, और वही प्रकृति, वही पेड़, वही पहाड़, वही जंगल, और देखा जाए तो आज हरियाली को देखते हाँ जो आज का जो कंक्रीट का जंगल फैला, उसमें कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा हम लोग एक तरफ विकास की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर वहाँ पे सिर्फ हमको लास्टली मिलता क्या है, एक स्ट्रेस मिलता है, और उसके सुकून के लिए हम कहीं अगर जाना चाहते हैं तो मेरी एक पेंटिंग का जरिया यही है कि वहाँ पे जाके हम थोड़ा सुकून महसूस कर पाएँ और अपने को थोड़ा आराम दें, जो कि हर कोई चाहता है। जी, मैं डॉक्टर इंदु जोशी। इंदु जी, आज यहाँ पर जो पेंटिंग लगाई गई है, चित्र लगाई गई है, किसके द्वारा और कैसे कार्यक्रम है, जानकारी दीजिए। ये कार्यक्रम राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया है, जिस के लिए मुझे नामित किया गया था कि मैं इस आयोजन को यहाँ पर करूँ। तो इसमें मुख्य रूप से ये कला आचार्य नाम से प्रदर्शनी है, इसके अंदर कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड एट प्रेजेंट जो टीचर्स हैं, उन सबको इसके साथ जोड़ने का प्रयास है अकादमी का, कि सभी शिक्षक एक फोरम पर आएं और अपने अपने चित्रों का यहाँ पर प्रदर्शन करें। इस प्रयास में मैंने प्रयास करते हुए इस आयोजन के लिए यहाँ आगरा मंडल के 51 जो शिक्षकगण हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया है, और उन लोगों ने अपने यहाँ पर चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया है सबको देखने के लिए। यहाँ सब शिक्षक आके जुड़े हैं एक फोरम पर, जिससे कि यहाँ कॉलेज में होने की वजह से छात्रों ने भी इन पेंटिंग्स को देखकर निश्चित रूप से वो लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि अलग अलग शिक्षक की कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 51 से अधिक चित्र हैं, जिसमें अलग अलग विधाएं आपको दिखाई दे रही हैं, अलग अलग तरीके से रंगों को लगाने का तरीका अपना अपना अलग अलग है कला आचार्यों का। तो निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी जो है छात्रों के हित में रहेगी, और साथ ही शिक्षकों के भी हित में है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आकर जुड़े हैं और एक दूसरे के कार्यों को उन्होंने देखा है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।